उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गाजियाबाद के चुनावी दौरे पर आज रहेंगे। शाम में 4 बजे पुष्कर धामी हिंदी भवन में व्यापारी सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि इलाके के व्यापारियों को भी संबोधित करेंगे। गाजियाबाद के चुनावी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। तो लगातार पुष्कर सिंह धामी भी अलग अलग जगहों पर प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उनका नाम है और आज गाजियाबाद में पहुंचेंगे प्रचार करने के लिए। इससे पहले उत्तराखंड में उन्होंने ताबड़तोड़ प्रचार किया। बीजेपी के 5 प्रत्याशियों के लिए अलग अलग जगहों पर हर दिन रोड शो रैलियां करते हुए दिखाई दिए और आज गाजियाबाद में बीजेपी प्रत्याशी के हक में वोट की अपील करेंगे। पूर्व सांसद और बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह का पार्थिव शरीर मुरादाबाद उनके आवास पर पहुंचा और उनके पहुंचने के बाद समर्थकों की काफी भीड़ वहां पर जमा हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी मुरादाबाद से जिनका निधन हो गया है। प्रधानमंत्री ने भी, तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। मुरादाबाद से बीजेपी प्रत्याशी सर्वेश सिंह जिनका निधन हो गया है, ये पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हुई थी उसमें मुरादाबाद सीट भी शामिल थी और 2014 में मुरादाबाद से ये चुने गए थे। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने सर्वेश सिंह के निधन पर दुख जताया है। बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह के निधन पर सपा सांसद एसटी हसन ने भी दुख व्यक्त किया और कहा कि कुंवर सर्वेश सिंह जब भी मिलते थे अच्छे से मिलते थे, वो एक सीनियर नेता थे। साहब हमारे मुरादाबाद के सीनियर नेता थे और उन्होंने काफी अरसे तक यहाँ पर सियासत करी है। बीजेपी के साथ हमेशा रहे, वो अलग बात है। मेरा उनसे बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट तो नहीं था, एक बार मैं उनके शादी में ज़रूर गया था, अक्सर मिल जाते थे और शादियों में तो बहुत अच्छी तरह से मुझसे मिला करते थे। मैं तो यही कहूँगा कि उनके घर वालों को ऊपर वाला शांति दे और इनकी आत्मा को भी शांति दे। दूसरे चरण के प्रचार के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल तीर्थ नगरी मथुरा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा पहले चरण में ही एसपी और कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है। दुनिया का सिर मोर बना दिया, पहले चरण का मतदान हो चुका है। मैं पहले चरण का परिणाम व्रज वालों बताऊ आपको, क्या जानना है? जोर से बोलो, जानना है। मगर किसी को बताना मत, तो बताओ बताओ। पहले चरण में सपा कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, दूसरे चरण में भी यही यात्रा को आगे निकालकर उत्तर प्रदेश की जनता ने वृंदावन होते हुए काशी तक कमल को विजयी बनाना है, कमल को विजयी बनाना।